मैं विपिन कुमार सिंह अपने सभी विद्यार्थियों का यूट्यूब के लर निजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को नरेशन का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें उनको जो है असर्टिव सेंटेंस जो है पढ़ाया जा रहा है। असर्टिव सेंटेंस में उनको कई स्पेशल रूल्स बताए गए। इसके पहले के वीडियो में हमने जो है स्पेशल रूल्स के जो है कई नियम बताए। अब उनके सामने आज का जो नियम है वो अगला नियम जो है इस तरह से है, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ओ वेल यू सी ओके इत्यादि शब्दों का जो है प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को जो है हटा देते हैं। अब प्रश्न यह है कि जो है इन शब्दों को जो है हटाते क्यों हैं। नियम एक बार विद्यार्थी जो है फिर से सुनेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में ओ वेल यू सी ओके इत्यादि का जो है प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। अब यह प्रश्न है कि विद्यार्थी पूछना चाहेंगे कि गुरु जी इन शब्दों को हटाया क्यों जाता है, तो इनके जवाब में मेरा उत्तर रहेगा कि अपना स्टेटमेंट देते समय जो स्पीकर होता है उसके मुंह से अचानक हाँ ये शब्द जो है निकल जाते हैं, इनको हटाने से हमारे सेंटेंस के अर्थ में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नाते इन शब्दों को जो है रिपोर्टेड स्पीच में से हटा दिया जाता है और इससे जो है अर्थ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि संजीव से संजीव ने कहा वेल रीता यू हैव डन दिस वर्क। संजीव सेठ संजीव ने कहा वेल रीता रीता यू हैव डन दिस वर्क, तुमने यह काम कर लिया है। अब यहां पे जो है विल का प्रयोग जो है किया गया है अनावश्यक रूप से, क्योंकि बोलते समय जो है अनावश्यक रूप से जो है ये मुंह से जो है निकल गया है। यदि हम इनडायरेक्ट बनाते समय जो है इन शब्दों को हटा भी देते हैं तो हमारे अर्थ पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी चीज है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में एक नाम जो है संबोधन के रूप में दिया गया है जो कि रीता है। हमने इसके पहले के वीडियो में जो है स्पेशल रूल्स में ही एक नियम बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी नाम संबोधन के रूप में दिया गया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो इस संबोधन वाले नाम को हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को जो है सही तरीके से लिखें तो हमें जो है इस तरह से लिखना होगा कि संजीव सेड टू रीता, यानी कि क्वेश्चन पहले जो है सही कर लिया जाए। यहां पे जो है लिखा जाएगा कि संजीव सेड टू रीता, कामा कर देंगे डब्ल्यूटेड कामा में। वेल से हमें जो है कोई मतलब नहीं है, जो है वेल को जो है पहले ही हटा देना है क्योंकि ये शब्द जो है अनावश्यक रूप से जो है मुंह से जो है निकल आए हैं, इनका इस सेंटेंस में जो है कोई रोल नहीं है। अब डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे कि यू हैव डन दिस वर्क फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अब हमारा क्वेश्चन आसान होकर जो है इस तरह से हो गया। अब कोई भी विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन को जो है बड़े आराम से हल कर सकता है। पहला परिवर्तन तो रिपोर्टिंग वर्ब में होगा कि सेट टू का परिवर्तन जो है हम टोल्ड में कर देंगे और आंसर लिखते समय हम लिखेंगे कि संजीव सेट टू को जो है चेंज कर दीजिए जो है टोल्ड में, उसका ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे रीता। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, जो है दोनों पार्ट जो है हम दैट से जोड़ देंगे, दोनों पार्ट जो है दैट से जुड़ गए। यू हैव डन दिस वर्क, तुमने यह काम कर लिया है, यह हमारा वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बदल के चला जाएगा किसमें, जो है पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। अब हमको ये भी देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जो है प्रोनाउन की संख्या कितनी है। रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रोनाउन की संख्या जो है एक है यू, जो कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। सन के नियम के अनुसार
या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट जो है रीता से बदल जाएगा। जब हम यू का परिवर्तन जो है रीता से करेंगे तो रीता जो है थर्ड पर्सन है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो यू का परिवर्तन रीता से करना है, रीता थर्ड पर्सन, स्त्रीलिंग, एक वचन। तो थर्ड पर्सन स्त्रीलिंग एक वचन के लिए नॉमिनेटिव केस में हम क्या यूज करते हैं, जो है सी, यानी कि यू का परिवर्तन रीता से होगा, तो यहां पे हो जाएगा जो है सी। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करना है, यानी कि हैज हैव का परिवर्तन जो है हैड में हो जाएगा, हैड डन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है और पास्ट परफेक्ट में भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, तो डन का हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी तरह से रख देंगे। निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। हमने असर्टिव सेंटेंस में रूल नंबर 6 में बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम निकटता प्रदर्शित करने वाले शब्दों को दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे दिस का परिवर्तन दैट में, दिस का परिवर्तन दोज में, हियर का परिवर्तन देयर में, हेंस का परिवर्तन देंस में, हीदर का परिवर्तन दीदर में, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, तमाम ऐसे परिवर्तन हैं जो निकटता सूचक होते हैं, जो है इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो ये दिस का परिवर्तन जो है किस में हो जाएगा, जो है दैट में हो जाएगा, वर्ब। फुल स्टॉप करके हम अपना उत्तर कंप्लीट करेंगे। अब इसके आगे का नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट इत्यादि का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेज सेट का परिवर्तन क्रमशः विस विसेज है विस्ड में करते हैं या बिट बिट्स या बेड में कर देते हैं। विद्यार्थी एक बार ध्यान देंगे, नियम एक बार फिर से सुनेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट इत्यादि का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग वर्ब के से सेज सेट का परिवर्तन क्रमशः विस विसेज या विस्ड में कर देते हैं या बिड बिट्स या बेड में कर देते हैं। आइए जो है एक एग्जाम्पल उनके सामने रखा जाए। यहाँ पे यदि लिख दें कि अतुल सेड टू मी, कॉमा डोमिनेटेड कॉमा में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो टू स्कूल विथ मी, विथ मी, फुल स्टॉप, डब्ल्यूटेड कॉमा में। विद्यार्थी जो है एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। हमारा नियम था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय विद्यार्थियों का पहला काम है कि रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन विस में, सेज का परिवर्तन विसेज में, सेड या सेड टू का परिवर्तन विस्ड में कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर जो है गुड नाइट जो है दिया गया है तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब के से का परिवर्तन बिड में, सेज का परिवर्तन बिड्स में और सेड या सेड टू का परिवर्तन जो है बेड में कर देते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल उनके सामने रखा गया है कि अतुल सेड टू मी, अतुल ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग, यू हैव टू गो टू स्कूल विथ मी। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग से जो है क्या अर्थ प्रकट होता है कि शुभकामना है। अब यहाँ पे जो है सेड टू को जो है किसमें बदल देंगे, जो है विस्ड में बदल देंगे। तो पहला परिवर्तन तो यही हो जाएगा। उत्तर लिखते समय हम लिखेंगे कि अतुल विज्ड मी
कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा जो है दोनों पार्ट जो है किससे जुड़ेंगे जो है एक बार जो है ध्यान देंगे। से टू का परिवर्तन जो है यहां पे जो है विज्ड में हो गया। अब यहां पे गुड मॉर्निंग को जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट बना देंगे। गुड मॉर्निंग, क्योंकि अतुल ने पहले जो है पहले शुभकामना जो है व्यक्त की है गुड मॉर्निंग, उसके बाद अगला स्टेटमेंट कहा है यू हैव टू गो टू स्कूल विथ मी, यानी कि इस स्टेटमेंट को जो है हम एंड सेड दैट से जोड़ देंगे। एंड सेड दैट यू हैव टू गो टू स्कूल विथ मी। अब इसमें जो है देखेंगे कि प्रोनाउन की संख्या जो है कितनी है। एक प्रोनाउन आपको यू मिलेगा जो कि सेकंड पर्सन का है, दूसरा प्रोनाउन मी मिलेगा जो कि फर्स्ट पर्सन का है। यू का परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब के जो है ऑब्जेक्ट जो है मी से कर देंगे, जबकि यहां पे मी फर्स्ट पर्सन का है। सन के नियम के अनुसार हम इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अतुल से करेंगे। यहां हैव टू का परिवर्तन हैड टू में इसलिए हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो हैज टू हैव टू बदल के चला जाएगा जो है हैड टू में चला जाएगा। यानी हैज टू हैव टू का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में होता है, ये बदल के चला जाएगा पास्ट टेंस में, यानी कि इस सहायक क्रिया का परिवर्तन जो हैड टू में हो जाएगा। अब इसके आगे जो है पहले जो है यू का चेंजेस जो है हम कर ले जो है मी से। यू का केस यहाँ पे नॉमिनेटिव है तो मी का नॉमिनेटिव बना लेंगे तो आई हो जाएगा। सहायक क्रिया बदलेगी पास्ट टेंस में, हैव टू चेंज होके हो जाएगा हैड टू में, आई हैड टू गो टू स्कूल विथ मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अतुल से बदल जाएगा। अतुल थर्ड पर्सन पुलिंग एक वचन, तो मैंने बताया कोई भी नाउन का शब्द है तो थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन पुलिंग एक वचन है तो थर्ड पर्सन पुलिंग एक वचन में जो है प्रोनाउन जो है ही यूज होता है। लेकिन यहाँ पे जो है मी का केस ऑब्जेक्टिव है तो ही का ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है हिम के बाद जो है फुल स्टॉप करके हम अपना उत्तर जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं अपने विद्यार्थियों को अगले वीडियो में स्पेशल रूल्स का एक दो नियम और बचा है जो है उसको बताएंगे, और तब उनका जो है असर्टिव सेंटेंस यहीं पे ख़त्म होगा, और इसके बाद के वीडियो में जो है उनको नरेशन में जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस का जो है दूसरा प्रकार जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस जो है पढ़ाया जाएगा। और मेरा अपने विद्यार्थियों के लिए हमेशा प्रयास रहेगा कि मैं अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संतुष्ट कर पाऊँ। धन्यवाद।